दोस्तों, जितने भी पत्रकार 2017 में दिल्ली कवर करते थे उन्हें याद होगा, 2017 की ऐसी ही दिसंबर की सर्दियां थी जब डिफेंस कॉलोनी के अंदर, जो कि दिल्ली की और साउथ दिल्ली की एक बहुत प्रसिद्ध मार्केट हैपनिंग मार्केट है, पॉश मार्केट है, उसके अंदर अचानक एमसीडी ने आके बेसमेंट्स, फर्स्ट फ्लोर्स, सेकंड फ्लोर्स, थर्ड फ्लोर्स, एक स्थापित मार्केट की चलती हुई दुकानें, रेस्टोरेंट सील कर दिए। आपको याद होंगे वो चित्र जिसके अंदर परिवार के बुजुर्ग एमसीडी के अफसरों के आगे हाथ जोड़ रहे थे कि आप हमारा पूरा काम धंधा खत्म कर दोगे, हम तो सड़क पर आ जाएंगे। उसके बाद ये सिलसिला कई जगह चला। राजेंद्र नगर के अंदर दुकानें सील की गई, जीके के अंदर सील की गई, ग्रीन पार्क के अंदर, हौस खास के अंदर, साउथ एक्स के अंदर, बहुत सारी दुकानें, मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि हजारों दुकानों को सील कर दिया गया, लाखों लोग बेरोजगार कर दिए गए। और आज हम 2024 में हैं, यानी कि लगभग 7 साल हो गए हैं, उन लोगों के काम धंधे बंद हैं और दिल्ली के बाकी व्यापारियों के सर पे भी सीलिंग की तलवार लटकी हुई है। 2017 से जो सिलसिला शुरू हुआ, कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, मॉनिटरिंग कमेटी ने सील कर दिया, तो एमसीडी ने कहा कि अगर मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा है सील कर दिया, तो भाई हमने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी है, वो जो कहेगी हम करेंगे। उसके बाद कई सारे व्यापारी कोर्ट गए। आपको याद होगा 2017 से मैं और हमारी पार्टी लगातार इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और हम तब भी यही बात कहते थे कि ये जो सीलिंग है पूरी तरीके से गैरकानूनी है, इलीगल है, सिर्फ और सिर्फ दुकानदारों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है। उसके बाद कई सारे दुकानदार सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इतने सारे केसेस आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब मामलों के लिए सीलिंग, डी सीलिंग और इससे संबंधित सब मामलों के लिए जुडिशियल कमेटी बना दी। उसके अंदर दो जजेस हैं, जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग, जस्टिस जीएस सस्तानी। उन्होंने 2022 से लेकर 2023 तक लगातार इसको सुना। आपको याद होगा 2023 की शुरुआत में जब एमसीडी में हमारी सरकार बनी, हमारी मेयर बनी, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मार्च 2023 में लोकल शॉपिंग फेडरेशन, एलएसी फेडरेशन के सभी लोगों से मिले और उन्होंने मुझे और शैली ओब्रॉय को कहा कि आप एमसीडी कमिश्नर से बात करिए और इसको सुलझाइए, क्योंकि जो किया गया है वो इलीगल है। हमने तब एमसीडी कमिश्नर और एमसीडी के अफसरों से बात की, उन्होंने वो बात नहीं सुनी। हाउस में रेजोल्यूशन पास किया गया कि आप इनको डीसील कीजिए, आप बेवजह कानूनी लड़ाई के अंदर दुकानदारों को उलझा रहे हैं। उस रेजोल्यूशन को भी कमिश्नर ने नहीं माना और जबरदस्ती वो मुकदमा जुडिशियल कमेटी में लड़ा गया। अभी कुछ दिनों पहले 18 दिसंबर 2023 को जुडिशियल कमेटी ने साफ तौर पे ये ऑर्डर किया कि लोकल शॉपिंग सेंटर्स के अंदर जितनी भी ये दुकानें इस तरीके से डीसील की गई हैं, ये गैर कानूनी है, इनसे आप कन्वर्जन चार्ज नहीं वसूल सकते। ये दुकानें पहले ही कमर्शियल जमीन पे बनी है, जो रेजिडेंशियल है उसको कन्वर्ट करोगे ना कमर्शियल में, जो कमर्शियल है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, उसका किस चीज का कन्वर्जन चार्ज ले रहे हो आप? साधारण सी बात है जिसको समझाओ समझ में आ जाती है। एमसीडी को तब समझ में नहीं आई, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जबरदस्ती सैकड़ों करोड़ रुपया इन लोगों से लूटा गया और उसके बावजूद भी दुकानें सील कर दी गई।
अब जब 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी का ये ऑर्डर आया तो हमने हाउस बुलाया, हाउस के अंदर 23 दिसंबर को रेजोल्यूशन पास किया गया कि अब आप इन दुकानों को डीसील कीजिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी का ऑर्डर आ गया है। उसके बाद भी कमिश्नर नहीं माने, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए अपील में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब एमसीडी के कमिश्नर का वकील कह रहा था इन दुकानों को सील नहीं करना, सील करे रखना चाहिए, डीसील नहीं करना चाहिए, तो हमारी तरफ से हमारी मेयर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी वहां पे कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा मैं एमसीडी के हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एमसीडी के हाउस ने रेजोल्यूशन पास किया है कि इनको तुरंत डीसील किया जाए। ये कमिश्नर कौन होते हैं? हाउस कह रहा है डीसील कीजिए, कमिश्नर कह रहा है नहीं मैं सील रखूंगा, कमाल हो गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा सील कर दो, इन्होंने आंख बंद करके सारी सील कर दी एमसीडी ने। क्यों कर दी? कह रहे जी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा तो हमने कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल कमेटी कह रही है कि इनको डीसील कर दो, अब नहीं कर रहे डीसील। इसका मतलब क्या है? उसी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी जो मॉनिटरिंग कमेटी के ऊपर है, जिसको यह देखना है कि मॉनिटरिंग कमेटी ने जो किया वो सही किया है गलत किया, उसकी बात कमिश्नर नहीं मान रहा। तो बात मानी किसकी जा रही है? आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने बुला लिया, यूडी मिनिस्टर ने, मैंने बुला के कमिश्नर साहब से मीटिंग कर ली, मेयर ने मीटिंग कर ली, डायरेक्शंस रिटर्न दे दी गई मेयर द्वारा, हाउस का रेजोल्यूशन हो गया, हाउस ने डायरेक्शन दे दी, मगर कमिश्नर नहीं मान रहे। तो कमिश्नर किसकी मान रहे हैं, सवाल ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार के लगाए हुए कमिश्नर हैं, जिस दिन केंद्र सरकार चाहेगी हटा देगी। केंद्र सरकार ने इनको रखा हुआ है, वो डीसील नहीं कर रहे उसके बावजूद रखा हुआ है। इसका मतलब सीधा इशारा केंद्र सरकार का है, कोई अधिकारी छोटा सा कुछ कर दे तो तुरंत एमएचए के अंदर चिट्ठी जाती है और सस्पेंड कर दिया जाता है। यहां सैकड़ों करोड़ का मामला है, सैकड़ों करोड़ रुपया जबरदस्ती अधिकारियों द्वारा इन दुकानदारों से लिए गए। अब डीसील करना, डीसील नहीं किया जा रहा, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसके साथ खड़ी है कमिश्नर के। वरना कमिश्नर हो सकता है कि आप हाउस का रेजोल्यूशन ना माने। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो भी अपनी बात जो है आपके आगे रखें। ।2017 में जब दिल्ली की मार्केट्स की सीलिंग शुरू हुई, तब से आम आदमी पार्टी दिल्ली के दुकानदारों के साथ, दिल्ली के व्यापारियों के साथ संघर्ष में साथ खड़ी है। जिस दिन से डिफेंस कॉलोनी की ये पहली सीलिंग शुरू हुई थी, उसी दिन से आम आदमी पार्टी ने बार बार उसका पुरजोर विरोध किया था, बार बार इस मुद्दे को उठाया था कि ये जो सीलिंग हो रही है वो इलीगल तौर पे हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता इस सीलिंग के खिलाफ सारे लोकल शॉपिंग सेंटर्स के जो दुकानदार हैं उनके साथ खड़े रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने सीलिंग को जल्द से जल्द करने में, दिल्ली के दुकानदारों को परेशान करने में, दिल्ली के व्यापारियों को परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। व्यापारी परेशान होके कोर्ट गए, एक के बाद एक कोर्ट गए। कोर्ट ने जब ये जुडिशियल कमिटी बनाई, जो आधिकारिक तौर पर पूरे मैटर को सुने और समझे और निर्णय ले, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग डीसीलिंग का फैसला इस जुडिशियल कमिटी पे छोड़ दिया।
दिसंबर 2023 में जब ये जुडिशियल कमिटी आदेश देती है कि जो सीलिंग हुई है वो गलत है और डीसीलिंग होनी चाहिए, उसके बावजूद भी डीसीलिंग की कार्रवाई नहीं शुरू हो रही, तो क्या बदल गया पिछले एक साल में? क्या बदल गया ऐसा कि आज जो कमिश्नर है एमसीडी का, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तो उनका आदेश मानने को तैयार था एमसीडी में, लेकिन आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो बात मानने को तैयार नहीं है? इसका जो असली कारण है, इसकी जो जड़ है, वो है जो अभी एमसीडी एक्ट में अमेंडमेंट लाकर कमिश्नर का अपॉइंटमेंट पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में दे दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को पता था कि वो एमसीडी में चुनाव हारने वाली है। जो 15 साल से वो पैसे की उगाही करते थे, जो एमसीडी से पैसा कमाते थे, वो खत्म होने वाला है। इसीलिए उन्होंने इस एक्ट को अमेंड किया कि वो बैकडोर से एमसीडी को चलाते रहे और जो उनके पैसे की उनको हवस हो गई एमसीडी को उठाने से, जो एमसीडी की उगाही करने से एमसीडी के माध्यम से, उसको वो किसी ना किसी तरीके से चालू रख सके। आज क्यों दुकानों को डीसील नहीं किया जा रहा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज भी इन व्यापारियों से पैसे की उगाही करना चाहते।